जय श्री राधे मित्रों, जय माँ विंध्यवासिनी। आज हम बात करेंगे प्रोफेशन पे कि जातक का क्या प्रोफेशन होगा। इसके लिए बहुत ही एक सरल मेथड है जो दशमांश कुंडली हमें बताती है कि जातक का जो प्रोफेशन होगा वो किस ओर होगा या किस ओर होना चाहिए। तो समय को ना गवाते हुए आइए हम जानने का एक कुंडली से प्रयास करते हैं कि इस रूल को हम कैसे लगाते हैं, क्या रूल है और इस रूल के जो इफेक्ट हैं वो हमें कैसे मिल रहे होते हैं। आइए, यह कुंडली आप देख पा रहे हैं, यह जो कुंडली है वो एक जातक की है। इन जातक का प्रश्न है, हमारा जो प्रोफेशन होगा वो क्या होगा, क्या मैं सरकारी नौकरी करूंगा या नहीं करूंगा, तो इससे संबंधित हम क्या देखेंगे इनके कुंडली में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जन्म कुंडली को छोड़ते हुए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे दशमांश कुंडली पर। ठीक है, दशमांश कुंडली हम बना देंगे जन्म कुंडली से। दशमांश कुंडली यदि आपको नहीं बनाने आता है तो आप हमारे चैनल के अंतर्गत ही दशमांश कुंडली कैसे बनाया जाता है उस पे आप देख सकते हैं, अन्यथा आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में दशमांश कुंडली मिल जाएगी। तो हमने दशमांश कुंडली पे आए, दशमांश कुंडली में हमने देखा कि इनके दशम भाव अर्थात दशम भाव को हमें देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम दशम भाव का विचार नहीं करेंगे अपनी कुंडली या किसी भी कुंडली के अंतर्गत दशमांश कुंडली में, तब तक हम निर्णय नहीं ले पाएंगे कि यह जातक का कार्य क्या होगा। क्यों? क्योंकि जो दशम भाव है वह हमारे कर्म को दिखाता है। दशमांश जो है वो कर्म फल है, उसमें ही जो दशम भाव है वो हमारे कर्म को दिखा रहा है। वो यह बता रहा है कि यह जो जातक है इसका कर्म क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले बढ़ेंगे दशम भाव पे। दशम भाव ने हमने में हमने देखा शनि है, शनि के साथ और कौन है, या शनि की दृष्टि किन ग्रहों पे जा रही है, या किन ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पे जा रही है या शनि पे जा रही है, यह हम विचार करेंगे। ठीक है, शनि। दूसरा, उस भाव के मालिक कौन है, उस भाव के मालिक जो है वो मंगल है। शनि हो गए, मंगल हो गए, अब किन ग्रहों की दृष्टि जा रही है। तो हमने देखा गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो मंगल पे जा रही। ठीक है, मंगल पे जा रही है अर्थात मंगल जो है वो दशम भाव के स्वामी है। तो इसके अंतर्गत गुरु, शनि और मंगल, ये तीन ग्रह हमें प्राप्त हो गए। मंगल की दृष्टियां देखेंगे कि मंगल की दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही है। मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव में जा रही है, वहां कोई ग्रह नहीं है। मंगल की सातवीं दृष्टि गुरु पे जा रही है और गुरु की सातवीं दृष्टि मंगल पे जा रही है, जो एक परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं। मंगल की आठवीं दृष्टि भी चौथे भाव में जा रही है, वहां भी कोई ग्रह विराजमान नहीं। हमने देखा इस कुंडली में तीन ग्रह इस जातक को प्रोफेशन दे रहे हैं अर्थात कर्म के दाता हैं। लेकिन इन तीन ग्रहों में भी किसका प्रोफेशन करेगा यह जातक, इसे देखने के लिए हम सडवल को देखेंगे। आप नीचे सडवल को देख रहे होंगे, यह आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो जाएगा, या आप हमारे वीडियो के अंतर्गत सडवल कैसे देखा जाता है आप वहां भी जाकर देख सकते हैं कि जो सडवल है, छह प्रकार के जो बल हैं वो क्या क्या होते हैं और उसे कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो सडवल में हमने देखा शनि, मंगल और गुरु। शनि, शनि जो है वो 1.67 डिग्री पे हैं, मंगल जो है वो 1.14 डिग्री पे हैं, गुरु जो है 1.27 डिग्री पे हैं। तो शनि सर्वाधिक बली हैं, शनि जो है वो सर्वाधिक बली इस जातक के कुंडली में हमें दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में हम सबसे पहले शनि को देखेंगे, शनि किन भावों के स्वामी हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि शनि जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी। ठीक है, सातवां भाव बिजनेस है, सातवां भाव पार्टनरशिप है, सातवां भाव एक ऐसे बिजनेस को दिखाता है जो रिटेल का काम कर रहा है, जो किसी से लेकर किसी दूसरे को बेच रहा है। आठवां भाव जो दिखाता है वो मैन्युफैक्चरिंग को दिखा रहा है। शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कहाँ जा रही है, आठवें भाव में जा रही है। तो यह भी स्पष्ट कर रहा है कि यह जो जातक है वो मैन्युफैक्चरिंग संबंधित कार्य से जुड़कर यदि कार्य करता है तो यह और बेहतर अपने जीवन में कर पाएगा। शनि बैठा कहाँ है, शनि 10वें भाव में बैठा है। 10वां भाव क्या है, 10वां भाव एडमिनिस्ट्रेशन है, 10वां भाव प्रशासन है, 10वां भाव सरकार है,
तो इस जातक के जीवन में सरकारी नौकरी के योग भी संपूर्णता है। यह जो जातक है वो सरकारी नौकरी को भी अवश्य करेगा। ये दो चीजें हमें मिल रही हैं, सरकारी नौकरी भी हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही हमें साते भाव का संबंध भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एक निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं, सरकार 10वां भाव, 7वां भाव बिजनेस, 8वां भाव जो है वो दूसरे का पैसा है, 8वां भाव जो है वो दूसरे के पैसे के साथ साथ गुप्त रूप से किया हुआ कार्य है, 8वां भाव जो है वो ठेकेदारी भी है क्योंकि हम दूसरे के पैसे को वहां इन्वेस्ट करते हैं। तो यह जो जातक है वो सरकार से जुड़कर अन्य अन्य कार्यों को यह कर सकता है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं क्या इसके जीवन में सरकारी नौकरी के भी योग हैं। सरकार के तो योग हैं, राज के योग हैं, राजयोग हैं, लेकिन क्या इस जातक के जीवन में सरकारी नौकरी के भी योग हैं? सूर्य दशमांश कुंडली में कहाँ गया है? सूर्य दशमांश कुंडली में 6ठे भाव में गया है। जो सरकार कहाँ गया? 6ठे में गया। 6ठा भाव क्या है? खुद नौकरी है। 6ठा भाव क्या है? खुद नौकरी है। लेकिन हमें नौकरी ही मिल गई जो सरकारी नौकरी है, हमें 10वां भाव में सरकार भी मिल गया। जो जातक के कर्मों को देख रहा है या जातक के कर्मों को दिखा रहा है, लेकिन हमें यह भी देखना आवश्यक है कि क्या 6ठा और 10वें का संबंध हो रहा है। तो अभी जो आप देखें 6ठे और 10वें का संबंध, 6ठे भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। 10वें भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध है, मंगल गुरु को देख रहे हैं और गुरु मंगल को देख रहे हैं, जो यह स्पष्ट कर रहा है कि इस जातक के जीवन में सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। यह जातक राजकार्य में अच्छा निपुण होगा। यह जातक सरकार संबंधित किसी भी कार्य को बड़े आसानी से कर सकता है। ठीक है, लेकिन कब? क्योंकि यह तो हमने देख लिया कि भाई ये चीजें इसे मिल रही हैं, लेकिन जो हम हाँ अपनी कक्षा में कहते हैं वो सदैव हमारा यह कहना होता है, जैसा गुरुदेव ने बताया है, कि हम कुंडली से यह देख लेते हैं कि कुंडली क्या हमें बता रही है, लेकिन हमें यह भी देखना आवश्यक होता है दशा के अनुसार कि जो दशा है वो कब उन ग्रहों की आ रही है जो ऐसे योग हमारे कुंडली के अंतर्गत बना रहे हैं। हमें यह भी देखना उतना ही आवश्यक है। तो इसमें योग कौन कौन बना रहे हैं? शनि योग बना रहे हैं, जो राजकाज के योग को बना रहे हैं, जो राजयोग के योग के योग को बना रहे हैं, और कौन बना रहे हैं? गुरु बना रहे हैं। सरकारी नौकरी कौन दे रहे हैं? शनि भी दे रहे हैं, ए शनि दे रहे हैं सरकार, और नौकरी दे रहे हैं सूर्य, गुरु और चंद्रमा। ठीक है, लेकिन गुरु से संबंध मंगल का भी है तो मंगल भी दे रहे हैं। तो नौकरी के लिए हमें 4 ग्रह मिल गए, सूर्य मिल गए, चंद्रमा मिल गए, गुरु मिल गए, मंगल मिल गए। परंतु यहाँ भी हम रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? ये 4 ग्रह दे रहे हैं तो 4 के 4 ग्रह तो हम इस जातक को नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए पुनः हम देखेंगे कि ये चार ग्रहों में इफ्लेक्शन में कौन है, पीड़ित कौन है। जो पीड़ित होगा वो नहीं दे सकता है। तो पीड़ित को देखने के लिए सूर्य या चंद्रमा, सूर्य कहाँ का स्वामी है? सूर्य जो है वो स्वयं 2वें भाव के स्वामी है, चंद्रमा कहाँ के हैं? लग्न के हैं। तो ये दोनों अच्छी स्थिति में हैं। गुरु 6ठे के स्वामी है और 9वें के स्वामी है। तो गुरु जो है वो यहाँ पे समस्या दायक है। क्यों? नौकरी तो वो देंगे लेकिन वो त्रिसडाए भी हैं, वो पीड़ित भी कर रहे हैं कर्मों को। किसे पीड़ित कर रहे हैं? कर्मों को पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि वो मंगल को पीड़ित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जातक को कब इन चीजों की प्राप्ति होगी? गुरु के दशा के अंतर्गत, चंद्रमा के दशा के अंतर्गत इन इन्हें उन चीजों की प्राप्त होगी, अर्थात 6ठे भाव संबंधित नौकरी की प्राप्ति होगी। तो चंद्रमा का अभी दशा इनके जीवन में चल रहा है जैसा आप देख रहे हैं। तो चंद्रमा के दशा के अंदर कब इन्हें नौकरी की प्राप्ति होगी, तो उसके लिए हमने देखा अभी चल रहे हैं चंद्रमा के साथ मंगल, जिनका कोई संबंध नहीं है। मंगल के बाद आएंगे राहु, राहु के बाद आएंगे गुरु, गुरु जो 6ठे भाव के स्वामी हैं। ठीक है, मंगल की दृष्टि गुरु पे जा रही है। ठीक है, जब गुरु दशा में आएंगे तो वो अपने रिजल्ट को तो देंगे ही,
लेकिन अपने रिजल्ट के साथ साथ वो मंगल के रिजल्ट को देंगे, अर्थात कर्म के रिजल्ट को देंगे। कर्म के रिजल्ट को देने के साथ साथ मंगल जो है वो दशम के स्वामी है, जो एक अच्छा है, जिसे हम लोग पारस मणि कहते हैं अपने ज्योतिष के अनुसार। तो जैसे ही गुरु की दशा ही जातक के जीवन में लगेगी, वैसे ही इसे सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होगी और राजकाज की भी प्राप्ति होगी। अर्थात जो इस जातक का जीवन है, प्रोफेशन को लेकर, कर्मों को लेकर, वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा, बहुत ही सुव्यवस्थित हो जाएगा। कब होगा? यह गुरु की दशा में होगा, अर्थात 21/11/2025, अर्थात 2026। जैसे ही जातक के जीवन में प्रवेश करेगा, एक नई उमंग, एक नया जीवन प्रोफेशन को लेकर इस जातक के जीवन में लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन 2 साल, अभी 2 साल का समय है इस जातक के जीवन में। इस 2 साल इसे क्या करना चाहिए जो इस 2 साल इसके लिए अच्छा बीते, ठीक है। इसके लिए अभी दशा किसकी चल रही है? चंद्रमा। चंद्रमा जो क्या है? लग्नेश है। चंद्रमा के अंदर दशा किसकी चल रही है? मंगल की। मंगल क्या है? पांचवे के स्वामी है, दसवें के स्वामी है। यह भी बहुत अच्छा संकेत दे रहा है, ठीक है। पांचवे के स्वामी है। पांचवा भाव पता है क्या है? पांचवा भाव संतान है, पांचवा भाव उत्पन्न है, ठीक है। तो एक जो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक आया है, मैं आपको बता दूं, यह एक संतान प्राप्ति के योग को भी दिखा रहा है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर है। यह एक संतान प्राप्ति के योग को भी दिखा रहा है, और साथ ही अभी प्रोफेशन में इस जातक को कुछ बेहतर करने के लिए कंटिन्यू कुछ न कुछ रीड करना, कुछ न कुछ पढ़ते रहना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर इस जातक के लिए रहेगा, जिससे इसे अच्छी चीजें की प्राप्ति होगी। अर्थात यह जिस भी प्रोफेशन में है उसमें इसे कुछ बेहतर चीजें मिलती रहेंगी। दशम भाव में स्वयं शनि बैठे हैं। शनि के बैठने से यह जातक अपने कर्म को जितना बेहतर करेगा, उतना बेहतर इस जातक के कर्म होंगे, अर्थात इस जातक का प्रोफेशन होगा। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? 12वें भाव पे जा रही है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? 7वें भाव पे जा रही है। तो इस जातक का जैसा कर्म होगा ना, कर्म जितना बेहतर, जितना अच्छा इस जातक का रहेगा, 3 प्रकार के कर्म है, संचित है, क्रियामान है, प्रारब्ध है। तो इस जातक का जैसा कर्म होगा, खासकर क्रियामान, जो इस ये जातक अपने कर्मों को कर रहा है, उससे ही इस जातक का बिजनेस चलेगा। जितना अच्छा कर्म होगा उतना अच्छा इस जातक का बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो यदि उपाय देना हो तो उपाय में इस जातक को यही देंगे। पांचवा भाव जो है वो एक उत्पन्न का कारक है, पांचवा भाव जो है वो शिक्षा का कारक है, पांचवा भाव जो है वो सॉल्यूशन का कारक है, पांचवा भाव इन सब से संबंधित है। तो यह जातक पांचवे भाव से संबंधित, अर्थात सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, सलाह देना, और पांचवा भाव एक अलग प्रकार से हैप्पीनेस को देता है, खेल कूद को देता है। तो और मंगल आ रहा है, जो मंगल भी खेल कूद और स्पोर्ट्स को दर्शा रहा है। तो इन सब से संबंधित यह जातक यदि कार्य करता है, एक्सरसाइज, इन सब से संबंधित कोई कार्य यह जातक करता है, तो अभी इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पे आपको समझने में त्रुटि हो रही है, वो आप अवश्य बताएं कमेंट के द्वारा। आपको उसके निदान अवश्य बताए जाएंगे। जय श्री राधे, जय माँ विनय।